switch. Xiaomi Mi Pad 5 जो Xiaomi की तरफ से हाल ही में लॉन्च हुआ पावरफुल टैबलेट है, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 2.5K डिस्प्ले, पावरफुल चिपसेट, डॉल्बी एटमोस साउंड, 4 स्पीकर्स, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Mi Pad 5 का अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन रिव्यू बताने वाला हूँ, साथ में गेमिंग टेस्ट भी बताने वाला हूँ। और ये वीडियो मेरे फ्रेंड ने चाइना से शेयर किया है ताकि मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले आपको दे सकूँ। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले Mi Pad 5 के अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है व्हाइट कलर में बॉक्स, बॉक्स के ऊपर Mi Pad 5 की ब्रांडिंग दी गई है और डॉल्बी विजन एटमोस की भी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बॉक्स के लीड को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले Mi Pad 5 देखने को मिल जाता है और ये व्हाइट कलर में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और दो कलर्स मिल जाते हैं, ग्रीन और ब्लैक। बैक का कैमरा मॉड्यूल iPad Pro जैसा लगता है लेकिन यहाँ पे एक कैमरा सेंसर ही मिलेगा। Mi Pad 5 के प्लास्टिक रैप को हटा लेते हैं और थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बाकी का बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स में यूजर मैनुअल और टाइप सी टू 3.5mm ऑडियो जैक कन्वर्टर मिल जाता है और ये इंक्लूड किया है तो ये अच्छी बात कह सकते हैं क्योंकि बॉक्स में पावर एडेप्टर नहीं है। वैसे ये अलग से दे देते हैं पावर एडेप्टर, वो भी फ्री में। बॉक्स के बैक में रैम स्टोरेज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ये 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट है। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिल जाता है। अब बात करते हैं Mi Pad 5 के डिजाइन और बिल्ड की। यहाँ पे बैक मैट फिनिश देखने को मिल जाता है और ये एल्यूमिनियम बैक है। टॉप लेफ्ट में सिंगल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और बॉटम में Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट देखें तो 11 इंच की स्क्रीन मिल जाती है और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास का यूज किया है लेकिन कंपनी ने मेंशन नहीं किया है कि कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन है। Mi Pad 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। Mi Pad 5 चलता है MIUI 12.5 पे जो बना है एंड्रॉइड 11 के ऊपर और ये जो OS है वो Mi Pad के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया है। कई सारी एप्स भी ऑप्टिमाइज की गई है। Mi Pad 5 में प्लेसमेंट की बात करें तो टॉप में 2 स्पीकर्स और पावर बटन दिया गया है। राइट में माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और ये स्ट्रिप स्टाइलस पेन को वायरलेसली चार्ज करने के लिए है। बॉटम में 2 स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट और माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है और लेफ्ट साइड पोगो पिन कनेक्टर मिल जाता है जो कीबोर्ड को अटैच करने के लिए है। Mi Pad 5 के डिस्प्ले की बात करें तो 11 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है और आप डिस्प्ले में देख सकते हैं बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिलती है और डिस्प्ले में रिजोल्यूशन 2.5K मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छी बात है और 1 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे। साथ में P3 गमुट भी मिल जाता है और सबसे अच्छी बात 120Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है यानी यूज़र एक्सपीरियंस और गेमिंग में काफ़ी स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी। डिस्प्ले डॉल्बी विजन को सपोर्ट कर दी और ये आई प्रोटेक्शन के लिए रीडिंग मोड भी मिल जाता है। Mi Pad 5 में परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन की 860 चिपसेट मिल जाती है जो 7nm प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो फ्लेक्सिप ग्रेड की चिपसेट है, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस देती है ये। मल्टीटास्किंग और गेमिंग में टासू एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। Mi Pad 5 में रैम का एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, 6GB रैम, वो भी LPDDR4X रैम मिल जाती है, यहाँ पे LPDDR5 नहीं मिलती है। और स्टोरेज का 2 ऑप्शन मिल जाएगा, 128 और 256, यानी 2 वेरिएंट मिल जाएंगे, 6GB रैम 128GB स्टोरेज एंड 6GB रैम 256GB स्टोरेज। और स्टोरेज यहाँ पे UFS 3.1 मिल जाता है यानी एप्लीकेशन और गेमिंग में जो स्टार्ट टाइम जो लॉन्च टाइम होता है वो बहुत ही कम मिलता है और गेमिंग में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप यहाँ पे पबजी का गेम प्ले देख सकते हैं, गेमिंग के दौरान कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इंडिया में लॉन्च होते ही मैं एक बैटल ग्राउंड का भी गेमिंग रिव्यू कर दूंगा।
मी पेड 5 में रियर में सिंगल कैमरा सेंसर मिल जाता है, जो मी पेड 5 प्रो के अंदर दो कैमरा सेंसर मिल। दोस्तों अगर आपने मी पेड 5 प्रो का अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जहाँ पे स्टाइलस पेन और कीबोर्ड का भी अनबॉक्सिंग और यूज़ दिखाया है। मी पेड 5 में कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिल जाता है, जो 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन टैबलेट से कौन वीडियो रिकॉर्ड करेगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का F2 एपेचर का कैमरा मिल जाता है, जो वीडियो कॉलिंग या तो फिर कॉन्फ्रेंस के लिए दिया गया है। मी पेड 5 में बैटरी की बात करें तो 8720 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसको चार्ज करने के लिए 33 वोट का पावर एडप्टर मिल जाता है, जो बॉक्स में नहीं मिलता लेकिन अलग से मिल जाएगा। और मी पेड 5 की प्राइस की बात करें तो बेस वेरियंट की प्राइस 1999 चीनी युआन है, जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 22,900 तक होती है। और अपर वेरिएंट की प्राइस 2,299 चीनी युआन है, जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 26,400 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट चिपसेट, बेस्ट फॉर मल्टीमीडिया एंड मल्टीटास्किंग, और प्राइस भी इस पैक्स के लिए बेस्ट है, तो डिज़ाइन में भी बेस्ट है, बस यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती तो बढ़िया हो जाता। तो दोस्तों ये बहुत ही किफ़ायती दाम में टैबलेट मिल रहा है, क्योंकि अगर आईपैड प्रो की बात करो तो सभी कुछ ऐसा ही है, परफॉर्मेंस भी ऐसा ही मिलेगा, इससे थोड़ा ही ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्क्रीन इतनी मिल जाती है, 120Hz रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है, सब कुछ है, इवन कीबोर्ड और स्टाइलस भी मिल जाती है इसके लिए। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट 1/4 दाम में है। तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप मी पेड 5 के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिवअवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।